गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो कमला दास की एक बहुत ही मशहूर कविता डांस ऑफ यूनिक्स है, और ये उद्धृत है समर इन कैलकटा, एक वॉल्यूम था जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1965। उससे ये पहली कविता है डांस ऑफ यूनिक्स। सबसे पहले जानते हैं कमला दास के बारे में। कमला सुरैया कह सकते हैं उनको, बचपन में उनका नाम था माधवी कुट्टी, ये भी कह सकते हैं। वो एक कन्फेशनल पोइटेस थी जो मैरिज, सेक्स और लव के लिए जानी जाती थी अपने रीडर्स में, और उन्होंने 65 साल की उम्र में 1999 में इस्लाम धर्म कबूल किया था। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को पन्यारकुलम मालाबार केरला में, और उनका देहांत हुआ था 31 मई 2009 पुणे में। वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। पिताजी का नाम V.M. नायर और माँ का नाम नलापत बालमणि अम्मा था। वर्क्स, ये वॉल्यूम था समर इन कैलकटा जो 1965 में आया। उसके बाद में द डिसेंडेंट्स 1967, उसके बाद में द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स इन 1973, स्ट्रेंजर टाइम 1973, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो आई थी 1975 में माई स्टोरी के नाम से, और उन्होंने 1964 में पैन फिलीपींस अवार्ड जीता था। एसेज की बात करते हैं तो उनमें पहला है, आई स्टडीड ऑल मैन व्हाट वीमेन एक्सपेक्ट आउट ऑफ मैरिज एंड व्हाट दे गेट, व्हाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड, आई हैव लिव्ड ब्यूटिफुली। ये उनके एसेज थे कुछ महत्वपूर्ण। अब पढ़ते हैं कविता के बारे में, पोएम के बारे में। कुल 21 लाइंस हैं, और ये कहता है हाउ वॉज द डे, दिन कैसा था। ये कहता है द डे वॉज हॉट व्हेन दे केम, यानी दिन बहुत ही गर्म था जब वे आए। कौन? यूनिक। हाउ डू दे लुक, वे कैसे दिखते थे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने पहनी हुई थी। वोर वाइड स्कर्ट्स उन्होंने पहना हुआ था, पैरों में एंकलेट्स थी, और उनकी एंकलेट पायजेब थी, और उनकी लंबी ब्रेड्स थी, और उनकी आंखें डार्क और फ्लैशी थी। जैस्मिन लगाया हुआ, चमेली का फूल उन्होंने लगाया हुआ है बालों में, और उनके गालों पर ग्रीन टैटूज हैं, और वे नंगे पैर ही हैं। वे तब तक नाचते रहते जब तक कि वो लहूलुहान नहीं हो जाते उनके पैर। तब तक उनकी आवाज़ में काफ़ी हार्शनेस है, काफ़ी कर्कश उनकी आवाज़ है, और उनमें से कुछ का कॉम्प्लेक्शन है, जो रंग है कुछ का सांवला रंग है, और कुछ उनमें गेहूं रंग के हैं। इस तरह से अब देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका वे यूज़ करते हैं। सिंबल्स और ड्रम्स का वे यूज करते हैं। कौन कौन से क्रिएचर्स हैं जिनका जिक्र इस कविता में किया गया है। क्रो हैं जो बहुत ही साइलेंट होकर ट्रीज पर बैठे रहते हैं, लिजर्ड हैं, और माइस है इनका जिक्र किया गया है अंतिम पंक्ति में, किया गया है कविता की अंतिम पंक्ति में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्मेल रहती है यूरिन वगैरह की एटिक्स में, तो वहाँ इनका जिक्र किया गया है। कौन किस प्रकार का संगीत है, गाना है जो वे गाते हैं, मेलंकोलिक सॉन्ग, काफ़ी उदासी भरा गाना वे गाते हैं, और ये लाइन आपको याद रखनी है, दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कविता से। उसके बाद में वेयर वर द डांसिंग, वे नृत्य कहाँ कर रहे थे, कहाँ नाच रहे थे, तो अंडर द फियरी गुलमोहर ट्री। दोपहर का समय होता है, उस समय धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वे नंगे पैर ही नाचते हैं गुलमोहर पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है रीड इन वैकेंट एक्सटेसी एंड देवर पुअर क्रीचर्स एज द पोइटिस एक्सप्रेड इन द पोइम।
अब यहाँ पे है जो दर्शाया गया है कि वे बाहरी रूप से तो अपने आप को काफ़ी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक खोखली प्रसन्नता है, एक आप मुखौटा समझ सकते हैं, वो जो बाहर से धारण किए हुए हैं लेकिन अंदर से कुछ नहीं है, अंदर से वो एक अनप्रोडक्टिविटी को शो करते हैं, बैरननेस को शो करते हैं, रोटननेस को शो करते हैं, जो काफ़ी हद तक कमला दास की निजी जीवन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है स्काई थंडर रेन, ये सिंबलाइज करते हैं होप को, आशा उम्मीद को शो करते हैं कि जब आकाश में बादल गरजते हैं फिर धीरे धीरे बारिश होने लगती है, तो ये एक उम्मीद का सिंबल है। लेकिन इस कविता में ये सभी हैं, यानी जो नेचर है पूरी तरह से वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है। किन के लिए अगेंस्ट है? वो यूनिक्स के लिए अगेंस्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें, देवर थिन इन लिम्स एंड ड्राई लाइक हाफ बर्न लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, ए ड्रॉट एंड अ रोटनलेस वर ईच इन देम। यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है, उपमा अलंकार का यूज हुआ है कि वो इतने कमज़ोर और पतले दिखाई देते हैं जिस तरह से चिता में जली हुई जो आधी लकड़ी होती उस तरह से, काफ़ी सूखे हुए और काफ़ी सड़े हुए वो उनमें से प्रत्येक जना दिखाई जाता है। रिपीटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यहाँ यूज किया गया है, जैसे राउंड एंड राउंड, जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, द डांस्ड एंड द डांस्ड, बीट देयर, इस तरह से बार बार ये रिपीटेशन का यूज यहाँ किया गया है। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, कमला दास से काफ़ी जुड़ी हुई है क्योंकि उनके जीवन में भी मैरिज को लेकर ज़्यादा सक्सेस नहीं थी और वो मेरे से काफ़ी खुश भी नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें शो करती हैं कविता में, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल है। सिंबल ऑफ अनप्रोडक्टिविटी, बैरननेस, या फिर हम यूनक्स को मेटाफर के रूप में ले सकते हैं बैरननेस का, या फिर फ्यूटिलिटी ऑफ लव।